करिए तभी आपका ऋण चुकता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। संविधान 111वां संशोधन विधेयक आज सदन में आया, जहां सहकारी विषय आता है, कोऑपरेटिव आता है, सभापति महोदय जब व्यक्तिगत पूंजी से कोई उद्योग नहीं हो पाता, कोई उद्योग धंधा नहीं हो पाता, तो गांव के 10 गरीब आदमी मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं। देश के कई क्षेत्रों में सोसाइटी ने प्रगति भी किया, और देश के कई क्षेत्रों में सोसाइटी ने जो प्रगति किया वो सामने है। सहकारी क्षेत्रों में जो चीनी मिल लगाए गए उनकी क्या दशा है उससे पूरा सदन परिचित है। जो कपड़े की मिल लगाई गई सहकारी क्षेत्र में उसकी क्या दशा हुई उससे भी आप परिचित हैं। किसान की बात अगर की जाए तो किसान सहकारी क्षेत्र में मत्स्य पालन, हथकरघा और छोटे छोटे उद्योग करता है, और जो हमारे देश का गरीब आदमी किसानी पर निर्धारित है उस कृषि ऋण के बारे में भी आप अवगत हैं। इस बिल का समर्थन करते हुए मैं दो एक बात करके अपने वाणी को विराम दूंगा। सभापति महोदय, सहकारी क्षेत्र में एक प्रांत से दूसरे प्रांत में कैसे विकास हो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो सहकारी क्षेत्र में जो सरकारी नियंत्रण है वह कितना काबिल है। अधिकतम सोसाइटियां कुछ प्रभावशाली लोगों के हाथ में हैं, उन्हीं के परिवार के लोग छोटे मोटे उसमें कर्मचारी हैं, अगर खाद भी की उसकी आय से उनका जीविकोपार्जन होगा, और जो दूसरे आय होगी उसी से वहाँ के सचिव को, वहाँ के लेबर को या कर्मचारी को लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र में जो आपने जो धन दिया है, जो सरकारी उस पर नियंत्रण है, यह टोटली मजाक बन के रह जाता है। जो सरकार जो सहकारी क्षेत्र में हम काम करते हैं उसकी ऐसी दुर्दशा है जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं कह रहा हूं कि दूध के क्षेत्र में भी अगर सहकारी सोसाइटियां हैं, दूध को तो हम देश के हर कोने में भेज सकते हैं, धान को देश के हर कोने में भेज सकते हैं, चीनी को धान हर क्षेत्र में भेज सकते हैं, कपड़ा को देश के हर क्षेत्र में भेज सकते हैं। लेकिन हालत यह है कि आज जो किसान है, किसान के ऋण की हम बात करते हैं लेकिन उसको कितना परसेंट पर ऋण देते हैं यह सरकारी खेमे में देखना चाहिए कि जो सहकारी सोसाइटी के अधीन हमारा किसान काम कर रहा है उसको हम कितने परसेंट पर ऋण देते हैं। मैं समझता हूं कि आज तक भी अपने देश के किसान को हम 4% पर ऋण नहीं दे पाए, उससे भी 9%, 8%, 11% जो बड़े उद्योगों का ऋण रेट है सूद का, वही हम आज किसान से ले रहे हैं। दूसरी तरफ मन कहना चाहता हूं, जो मत्स्य पालन और हथकरघा में लगा हुआ हमारा मछुआरा है और जो बुनकर समाज है, आज इन एक तरफा बैठते जाते हैं। एक बार वो ऋण लिया, उस ऋण से अगर उसका उसकी भैंस मर गई, उसका कपड़ा जल गया या उसका उद्योग जल गया, फिर उसका कहीं कोई बीमा नहीं। अब वह ऋण अपना शरीर बेच कर करे, क्योंकि उसके बाद तो कुछ है नहीं, या तो शरीर बेच कर करे या जो करे। तालाब में मछली पालन करने का सहकारी समितियों ने काम किया, अमूमन कहीं से जहर पड़ा और जहर पड़ने के बाद सारी मछलियां मर गईं, और सारी मछलियां मरने के बाद कहीं कोई उसका कोई बीमा सीमा नहीं मानने को तैयार है, और वो पूरी की पूंजी डूब जाती है। सभापति महोदय, जब सहकारी क्षेत्र का किसान देश के आर्थिक विकास में छोटे छोटे 21 की कमेटी बनाकर, सोसाइटी बनाकर काम कर रहा है, और वह जिस पूंजी पर काम कर रहा है वह जब डूब जाएगी तो फिर वो बैंक का ऋण कहां से दे पाएगा। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता, अधिकारियों की बात मैं कहना चाहता हूं, मानवर अच्छी बात है, अधिकारियों का लेखा जोखा होना चाहिए कि ताकि सोसाइटी के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो मिटे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज तक सोसाइटी के क्षेत्र में
कहीं भी एससी का, एसटी का, ओबीसी का, महिलाओं का और माइनॉरिटी का कहीं भी कोई आदमी नहीं दिखता, इनके अधिकारी पर्पज में भी नहीं दिखता। इसको भी देखना चाहिए कि आखिर यह सहकारी समितियां में इनका क्या योगदान है, ये नहीं हो पाता। मैं कहना चाहता हूं मान्यवर कि सहकारी क्षेत्र में जो चीनी मिले हैं वह टोटली वहां के मजदूरों के गलत कामों के वजह से नहीं बंद पड़ी, घाटे में नहीं गई। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जो कपड़ा मिले और चीनी मिले डूबी है देश की, वह वहां के अधिकारियों के बदौलत डूबी है, वहां के मजदूरों के बदौलत नहीं डूबी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि सहकारी क्षेत्रों में यह बात ठीक है कि प्रदेश के हर प्रदेशों का यह मामला है, प्रदेश अपना कानून बनाएगा, अपनी सहकारिता चलाए, लेकिन अगर हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में काम कराना चाहते हैं तो सभापति महोदय क्या हम इस बात की श्योरिटी देंगे इस बिल के माध्यम से कि अगर कोई सोसाइटी अच्छा काम करके, अच्छा उत्पादन करके अगर किसी एक प्रांत से अपने दूसरे प्रांत में माल ले जाना चाहती है तो उसे हम क्या अन्य सहूलियतें देंगे? किसान के इस सामान को अन्य सहूलियतों के साथ दूसरे प्रांतों में ले जाएंगे? हमने सहकारी क्षेत्रों में गोदाम बनाया, करोड़ों रुपया खर्चा करके सहकारी क्षेत्रों में गोदाम बने और सारे के सारे गोदाम बिल्कुल बंद पड़े हैं, न कहीं उसमें आलू रखा जा रहा है, न कहीं उसमें कोई अन्य सामान रखा जा रहा है। ये गोदाम बनाए गए, करोड़ों रुपया लगाकर गोदाम बनाए गए और सब के सब बेकार पड़े हैं। क्यों बने हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस बात की गारंटी होनी चाहिए सहकारी क्षेत्र में कि अगर देश के किसी एक दूसरे जगह की सहकारी सोसाइटी देश के किसी दूसरे कोने में भी सामान बेचना चाहती है तो उसे सहूलियतों के साथ बेचने दिया जाए। अगर हम बड़े उद्योगों को, बड़े लोनकर्ताओं को लोन हम दे सकते हैं तो देश के किसान को कर्ज माफी हम करते हैं, 4% ब्याज पर उसको ऋण नहीं हम दे सकते, कम 3% पर ऋण नहीं, बिना ब्याज का ऋण नहीं दे सकते। रामाशंकर जी का उनको ऋण, आप बैठिए, समाप्त कीजिए। अभी आपने अवसर दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर्स, इट इज नाउ 6:00 एंड आई हैव ए